दो सी जाने बहावलपुर के इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी वार्ड में जश्न आजादी की तैयारियां जारी हैं। कौमी परचमों की झंडियां लगाई गई हैं बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर। मजीद जानेंगे मोहसिन और मुल्क से। जी मोहसिन बताइएगा कैसा समान देखा जा रहा है। जी जश्न आजादी की खुशियां हर कोई मना रहा है और जश्न आजादी पर विक्टोरिया हॉस्पिटल की इमरजेंसी को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बाहर चिरागा किया गया है और इमरजेंसी के अंदर झंडियां लगाई गई हैं, कौमी परचम लगाए गए हैं, हर तरफ जश्न आजादी का समा दिखाई दे रहा है। बीमार यहां पर आ रहे हैं लेकिन बीमारों के साथ साथ यहां पर मुल्क की आजादी के उस दिन को भी मनाया जा रहा है। खासतौर पर डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ और मरीज यहां पर जो है अपनी मदद आप इन झंडियों को लगा रहे हैं और घर जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं इमरजेंसी वार्ड के, उनसे पूछते हैं जी कैसा लग रहा है आपको आजादी का दिन आने वाला 14 अगस्त। जी बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल की तरह इस दफा भी हमने इमरजेंसी को खूबसूरत झंडियों से जो है वो संवारा है और इसमें हर डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल जो स्टाफ है सब लोग जो है इस अमल में शामिल हैं और ये है कि लोग इस चीज़ को देख के खुश भी होते हैं क्योंकि एक हमारा बहुत ही अहम जो है दिन है ये 14 अगस्त का जश्न आज़ादी का और इसमें खुशी होती है कि हम एक आज़ाद कौम है और जो जब मरीज आते हैं तो वो भी इन सब चीज़ को देख के खुश होते हैं कि अस्पताल में भी घर जैसा माहौल है और वो भी घरों में जाके जो है इसको मनाते हैं। ये भी आपका दूसरा घर हो गया सारे दिन? बिल्कुल हाँ जी, 14 अगस्त को भी हमारी ड्यूटी है यहाँ पे और बिल्कुल हमारा दूसरा घर है। बहुत शुक्रिया मौसम मुल्क, आप हमें अपडेट करें।